जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। और आप जो प्यार कर रहे हैं, जो सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा महाकाल आप सभी को हमेशा खुश रखें। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए। जैसे आमतौर पर हमारी एक बात होती है कि हमें कौन सा व्यापार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ें फेवरेबल है, कौन सी चीज़ें हैं। तो ये ओवरऑल जो कौन सा व्यापार हमें करना चाहिए, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं और उसे किस तरह से अच्छे से ताकि आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये वीडियो पूरा और अंत तक देखें, 3 मिनट का वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। इस वीडियो को शुरू करो उससे पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वो इसलिए कर ले ताकि आपको हमेशा ज्योतिष से रिलेटेड सकारात्मक वीडियो मिलते रहें। दूसरी बात है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में आप ओम नमः शिवाय लिखें, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो आते मुद्दे के ऊपर। सबसे पहले कि जब भी हमें कोई सा भी व्यापार शुरू करना है उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग बनाएं, एक अच्छी चीज़ें बनाएं, वो सब चीज़ें बाद में करें, लेकिन उससे पहले आप अपनी कुंडली का किसी अच्छे ज्योतिषी से, अपने घर के आसपास जो भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे ही दिखवाएं, जो भी आपके घर के आसपास हो उनसे एक बार आप सजेशन लें कि हम किस व्यापार में जा सकते हैं। क्योंकि राशिगत तो सब चीज़ें पॉजिटिव है ही सही, जो आपको पता लग जाती है, लेकिन मेन और मेन थिंक यहाँ पर समझ आ जाता है, क्योंकि हमारे खुद के ग्रह क्या कह रहे हैं, हमारे जो ग्रहों की स्थिति वो क्या कह रहे हैं, हम किस सब्जेक्ट में जाएँ तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है। अब इंडिविजुअल हम उस पर भी बात करेंगे, ऐसी बात नहीं कि हम, वो तो सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने शेयर इसीलिए किया है कि आप उससे जान पाएंगे कि एक्चुअल आपको पर्सनल तौर पर कहाँ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात है कि जब भी व्यापार कोई शुरू कर रहे हैं आप, तो मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बात कह सकता हूँ कि धन जो है उसमें बहुत सी चीज़ों को लेकर आपको हाथ खींचना चाहिए, व्यापार को धीरे 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 ही चलाना चाहिए, ना कि एकदम से बहुत सारा पैसा लगाकर शुरुआत कर दें। और दूसरी बात कि व्यापार जो भी आपके, जो व्यापार में आपको अनुभव हो, जो आपको समझ आता है, आप वो व्यापार आज से, अभी से करना शुरू कर दें, उसकी कोशिशें आज से शुरू कर दें, क्योंकि व्यापार को जमने में और जगह बनाने में एक वक्त लगता है। तो आप जितना वक्त सोचने में लगाएंगे, जितना वक्त व्यापार के बारे में खोजबीन में लगाएंगे, वो वक्त नॉमिनल वक्त लगाएं और तुरंत काम शुरू कर दें। जैसे तुरंत काम आप शुरू करोगे आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप तुरंत काम करेंगे उस पर भी प्रैक्टिकल होंगे, आपको चीज़ें समझ आएगी और आपको बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव में मिलेगी। तीसरी बात है कि हम मध्यस्थता का व्यापार करें, हम वो व्यापार करें जिस व्यापार में हमें शुरुआती तौर पर बिल्कुल ज़्यादा लाभ न हो, लेकिन उतना लाभ हो जिससे कि हम एक चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा लें। अब होता क्या कि हम जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर किसकी डिमांड है, तो उसका आप एक रिसर्च कर लें और उस विषय पर अपना काम करें। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।